नेम्स ऑफ फैमिली रिलेशनशिप इन इंग्लिश एंड हिंदी, रिश्तों के नाम हिंदी और अंग्रेजी में। नमस्कार दोस्तों, टेक मराठी एंड हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं लगभग सभी रिश्तों के नाम हिंदी और अंग्रेजी में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। मदर मतलब माँ, फादर मतलब पिता, सन मतलब बेटा, डॉटर मतलब बेटी, ग्रैंडफादर मतलब दादा या नाना, ग्रैंड मदर मतलब दादी या नानी, ब्रदर मतलब भाई, सिस्टर मतलब बहन, हस्बैंड मतलब पति, वाइफ मतलब पत्नी, फियांसे मतलब मंगेतर लड़का, फियांसी मतलब मंगेतर लड़की, ब्राइड मतलब दुल्हन, ब्राइडग्रूम मतलब दूल्हा, अंकल मतलब चाचा, ताऊ, फूफा या मौसा, आंट और आंटी मतलब चाची, मामी, बुआ, ताई या मौसी, कजन मतलब चचेरा, ममेरा, मौसेरा, फुफेरा भाई या बहन, फ्रेंड मतलब दोस्त, नीस मतलब भतीजी या भांजी, नेफ्यू मतलब भतीजा या भांजा, फादर इन लॉ मतलब ससुर, मदर इन लॉ मतलब सास, ब्रदर इन लॉ मतलब साला, देवर, बहनोई, जेठ या साढ़ू, सिस्टर इन लॉ मतलब भाभी, साली, जेठानी, देवरानी या ननद, सन इन लॉ मतलब दामाद, डॉटर इन लॉ मतलब बहू, मैटरनल अंकल मतलब मामा, मैटरनल आंटी मतलब मामी, पेरेंट्स मतलब माता पिता, गार्डियन मतलब अभिभावक, स्टेप मदर मतलब सौतीली माँ, स्टेप फादर मतलब सौतेला पिता, एडॉप्टेड सन मतलब
दत्तक पुत्र या गोद लिया बेटा। एडॉप्टेड डॉटर मतलब दत्तक कन्या या गोद ली हुई बेटी। स्टेप ब्रदर मतलब सौतेला भाई। स्टेप सिस्टर मतलब सौतेली बहन। यंगर ब्रदर मतलब छोटा भाई। एल्डर ब्रदर मतलब बड़ा भाई। ग्रैंडसन मतलब पोता या नवासा। ग्रैंड डॉटर मतलब पोती या नवासी। ग्रेट ग्रैंडफादर मतलब परदादा या परनाना। ग्रेट ग्रैंडमदर मतलब परदादी या परनानी। ग्रेट ग्रैंडसन मतलब परपोता। ग्रेट ग्रैंड डॉटर मतलब परपोती। ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन मतलब पोते पोतियां। रिलेशन मतलब संबंध। रिलेटिव मतलब संबंधी या रिश्तेदार। विडो मतलब विधवा। लवर मतलब प्रेमी। बी लव्ड मतलब प्रेमिका। डिवोर्स मतलब तलाक। एयर मतलब वारिस। एंगेजमेंट मतलब सगाई। मैरिड मतलब विवाहित या शादीशुदा। अनमैरिड मतलब अविवाहित या कुंवारा। क्लासमेट मतलब सहपाठी। लैंडलॉर्ड मतलब मकान मालिक। टेनेंट मतलब किराएदार। गेस्ट मतलब अतिथि या मेहमान। अक्वेंटेंस मतलब परिचित व्यक्ति या जान पहचान वाले। नेबर मतलब पड़ोसी।